इस वीडियो में और अगले वीडियो में हम जानेंगे फोटोशॉप के दो प्रकार के लेयर के बारे में, रेस्टर लेयर और वेक्टर लेयर। तो इस फर्स्ट वीडियो में हम जानेंगे रेस्टर लेयर के बारे में और अगले वीडियो में हम जानेंगे वेक्टर लेयर के बारे में। रेस्टर लेयर और वेक्टर लेयर होते क्या हैं, उनकी पहचान क्या है, यूज क्या है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फोटोशॉप में हम अधिकतर जो भी काम करते हैं वो रेस्टर ग्राफिक्स पर ही करते हैं। रेस्टर ग्राफिक्स की पहचान ये है कि इनमें कुछ पिक्सल्स होते हैं जिन्हें हम जूम करके देख सकते हैं। इस प्रकार से हम जैसे ही 500% से ऊपर जूम करते हैं तो इस प्रकार से हमें इस इमेज में पिक्सल दिखाई देने लग जाते हैं। जो पिक्सल होता है वो एक स्क्वायर डॉट होता है और ये एक कलर का ही होता है और कई सारे पिक्सल मिलकर एक इमेज बनाते हैं। तो इस प्रकार का जो लेयर होता है वो रेस्टर लेयर होता है। अगर हम यहाँ पे क्रिएट न्यू लेयर पर भी क्लिक करते हैं तो फोटोशॉप एक ब्लैंक रेस्टर लेयर बना देता है। अब इसकी पहचान कैसे की जाए? पहचान तो दो तरीकों से की जा सकती है। एक तो हम लेयर पैनल पे देखेंगे कि लेयर पैनल में जो लेयर है उसका थंबनेल बिल्कुल सिंपल दिखाई देगा। जैसे ये बैकग्राउंड लेयर येलो कलर से फिल है तो यहाँ पे एक येलो इमेज दिखाई दे रही है और ये फ्लावर का लेयर है तो फ्लावर की शेप दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से इन पे जो लेयर पैनल में लेयर का आइकन दिखाई दे रहा है इस पे कोई एक्स्ट्रा सिंबल नहीं बना होता है तो इसका मतलब है वो रेस्टर लेयर है। दूसरा, हम इस प्रकार से जान सकते हैं कि जो रेस्टर लेयर होता है वो पिक्सल बेस्ड होता है तो इस पे हम सभी प्रकार के मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। फोटोशॉप के मोस्टली सारे टूल्स इस पे हम यूज कर सकते हैं और सभी प्रकार के फिल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इस वक्त ये लेयर वन और ये जो लेयर है ये रेस्टर लेयर है तो इन पे हम जैसे ये है ब्रश टूल को हम सेलेक्ट करके इस लेयर पे अगर हम इस प्रकार से अप्लाई करते हैं तो इस प्रकार से हम इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसमें इजीली मॉडिफिकेशन हो गया क्योंकि जो रेस्टर लेयर है वो पिक्सल बेस्ड है और सभी प्रकार के मॉडिफिकेशंस इसमें इजीली हो जाते हैं। अब रेस्टर लेयर्स का जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि रेस्टर लेयर को अगर हम अप स्केल करते हैं तो इसकी क्वालिटी में लॉस होता है। जैसे ये लेयर है अगर हम इसे कंट्रोल टी प्रेस करके अप स्केल करते हैं तो जो इसके कॉर्नर्स है जेगेड पिक्सल हो जाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं इस प्रकार से। रेस्टर लेयर का जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर हम इस लेयर को एनलार्ज करते हैं तो फोटोशॉप इस इमेज को एनलार्ज करने के लिए कुछ और पिक्सल क्रिएट करेगा जिससे ये जो ग्राफिक है ये थोड़ा ब्लरी हो जाएगा और फजी दिखाई देगा, मतलब क्वालिटी का लॉस हो जाएगा। क्योंकि रेस्टर लेयर जो होता है वो सिर्फ पिक्सल के इंफॉर्मेशन को ही सेव करता है, बाकी एक्स्ट्रा कोई इंफॉर्मेशन सेव नहीं करता है। कंट्रोल टी बटन प्रेस करके हम इसे एनलार्ज करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम जितना एनलार्ज करेंगे उसके जो ये पिक्सल है ये जैगेड दिखाई देने लग जाएंगे और ये जो इमेज है ये भी थोड़ी ब्लरी दिखाई देने लग जाएगी। अब हम समराइज करते हैं रेस्टर लेयर को कि रेस्टर लेयर है क्या। नंबर वन, रेस्टर लेयर जो फोटोशॉप में है वो डिफॉल्ट लेयर का टाइप है कि हम जब भी लेयर बनाते हैं तो वो एक रेस्टर लेयर बनता है। नंबर दो, इसमें हम मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब इसमें लगभग सारे टूल्स हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं, सभी फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि मॉडिफिकेशन हम इसमें जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। नंबर तीन, इसको अगर हम एनलार्ज करते हैं तो क्वालिटी का लॉस होता है, मतलब सेम क्वालिटी में हम इसको एनलार्ज नहीं कर सकते। नंबर चार, इसका जो लेयर पैनल पे थंबनेल दिखाई देता है
वो बिल्कुल प्लेन दिखाई देता है, इस पे कोई एक्स्ट्रा सिंबल नहीं बना होता। अगले वीडियो में हम जानेंगे वेक्टर लेयर के बारे में और डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से वो रेस्टर लेयर से अलग है और उनका यूज क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।